पंजाब सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिस दे विच अहम फैसले लए गए ते इस दौरान जिथे कोरोना महामारी तो लोगों नूं एहतियात वरतन दे लई सुझाव दिते गए इस बीमारी तो बचे रहन दे लई एहतियात वरतन की सलाह दी गई तो उत्थे ही लोड़वंदां दे लई कुछ जो सहूलतां ने उसका ऐलान किया गया खास करके बजुर्गां विधवावां ते जो आश्रित बच्चे ने उन्हां दे लई 1500 रुपये महीना पेनशन तो इलावा 1000 रुपये देने का फैसला लिया गया। कैबिनेट मीटिंग दे विच एक खास अहम फैसला उन्हां लोड़वंद लोगों के लिए लिया गया जो किसी न किसी आसरे जीव रहे ने अपना जिहड़ी जिंदगी है वह कट रहे हैं तो उन्हां दे लई यह अहम फैसला लिया गया पर 1000 रुपये सिर्फ एक बार दे लई ही उन्हां दे खातियां दे विच सीधे तौर पर पाए जाएंगे। DBT दे राही सीधे तौर पर उन्होंने खातों के 1000 रुपये पाए जाएंगे। दस दें कि जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की मीटिंग के जो फैसला लिया गया उसके मुताबिक बुजुर्गों विधवावान निराश्रित औरतों आश्रित बच्चों दिव्यांग व्यक्तियों COVID-19 महामारी के चलद ही यह फैसला लिया गया कि इन लोगों 1500 रुपये प्रति महीना पेनशन से वित्तीय सहायता तो इलावा उन्होंने एक बार दे लई 1000 रुपया उन्होंने खातों के सीधे तौर पर पाया जाएगा। किसी विचोले के राही ये पैसे नहीं आएंगे बल्कि सीधे तौर पर उन्होंने खातों के 1000 रुपये पाए जाएंगे। कोरोना महामारी के चलद यह फैसला लिया गया ताकि इन लोगों को यह सहूलत दी जा सके। हालांकि कुछ इन लोड़वंद अजिहे ने जिन्होंने 1500 रुपया महीना पेनशन जी है वह रोजाना पहला भी लगातार आ रही है प्रति महीना आ रही है लेकिन इस तों इलावा जो कोरोना महामारी है उसके चलते एक नवा कैबिनेट मीटिंग दे विच फैसला लिया गया कि इन जो बुजुर्ग ने विधवावान ने निराश्रित औरतों आश्रित बच्चों के दिव्यांग व्यक्तियों 1000 रुपये एक बार दे लई उन्हां दे खातियां दे विच जरूर पाए जाएंगे। हालांकि इस तों इलावा जो कैबिनेट मीटिंग है उस दे विच जो होर भी अहम फैसले ले गए उस तों इलावा कोरोना महामारी तो बचण दे लई भी सुझाव दिते गए ने एहतियात वरतन दे लई कहा गया। हालांकि कुछ दिन पहला ही इस महामारी के जो वध रहे केस ने उसनों लैके पंजाब दे विच पाबंदियां लगाई गई ने एहतियात वरतन दे लई कहा गया नाइट करफ्यू लगा दिता गया तो कई जो पब्लिक प्लेसिस ने उत्थे भी 50% कपैसिटी जिहड़ी है उस तहत ही लोगों के मौजूद रहने के लिए कहा गया। पर इस तों इलावा पंजाब दे लोगों नूं सहूलत देण दे लई ही सीएम चन्नी दे वलों यह फैसला लिया गया जिवें कि बीते कुछ दिनों तो ही सीएम चन्नी पंजाब दे वख वख थावां ते जाके लोगों के मसले हल करन दी कोशिशां दे विच ने चाहे वह रैलियां दे विच जाके करदे होण या फिर सीधे तौर पर मिल के चाहे घर के बाहर आए लोगों नूं मिल के उन्हां दे मसले हल करदे होण तां इसे दौरान ही जिथे बीते दिन कैबिनेट मीटिंग हुई है उस दे विच एक खास फैसला लिया गया तो इन्हां लोगों नूं 1000 रुपये प्रति लाभपात्री तुरंत देने का जिहड़ा फैसला किया गया। दस दे कि एक जिहड़ी अहम जानकारी हो कि इस ऐलान के नाल इस तुरंत लागू करन दे लई भी कहा गया अधिकारियों नूं इन्हां पैसों नूं तुरंत इन्हां लोगों के जो लाभपात्री ने उन्होंने तुरंत खातों के पाने के लिए भी कहा गया तो जल्द ही जो लाभपात्री ने जो बुजुर्ग ने जिहड़े पहला ही कह लिए कि पेनशन लै रहे हैं बुजुर्ग विधवा औरतां ने जिहड़ियां निराश्रित औरतां ने आश्रित बच्चे दिव्यांग व्यक्ति जो जिन्होंने 1500 रुपये प्रति महीना पेनशन आ रही है तो इस तों इलावा 1000 रुपये एक बार दे लई इन्हां दे खातियां दे विच होर पाए जाणगे ताकि कोरोना महामारी के दौरान ये पैसे उन्हां दे काम आ सकन क्योंकि इस दौरान जेकर काम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਦੇ ਨਾਲ।